अभी आप जो डांस देख रहे हैं इसे जंगबिटो डांस कहा जाता है। अफ्रीका में ये डांस बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस झाड़ू जैसी या घास जैसी दिखने वाली चीज में कोई भी इंसान नहीं होता है, बल्कि इनके अंदर इनके परिवार या रिश्तेदारों की आत्माएं होती हैं, यानी कि एक स्प्रिट, और जिसे ये लोग अपना देवता भी कहते हैं। नाचते हुए जंगबिटो को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसके अंदर कोई इंसान घुसकर और बहुत ही जोशीले तरीके से डांस कर रहा हो, लेकिन जब इन कोंस को पलटा जाता है तो फिर इसके अंदर किसी भी इंसान को नहीं पाया जाता है और ये पूरा कोन खाली होता है। माना जाता है कि अफ्रीका में इस तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा आम बात है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ब्लैक मैजिक यानी कि जादू टोना बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पर है। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं जंगबिटो डांस के बारे में, ये किस प्रकार से डांस करती है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। आगे जानने से पहले दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त जरूरत है। अफ्रीका में ये जंगबिटो डांस बहुत ही ज्यादा फेमस है। आखिरकार बहुत ही सारे लोगों को यानी कि किसी भी व्यक्ति को आज तक ये नहीं मालूम चल सका है कि ये जंगबिटो डांस, जिसे वोटो डांस भी कहते हैं, ये रियल है या फेक। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में ये डांस हर साल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को वोटू फेस्टिवल भी कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम ईसाई की तरह ही वोटू भी एक धर्म माना जाता है। इस धर्म के लोग मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीरिया, बेनिन, टोगो और घाना देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये रिलीजन दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन कंट्रीज और कहीं कहीं तो सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं। वुडू धर्म के लोगों के अनुसार वुडू का मतलब आत्मा और भगवान होता है। माना जाता है कि वुडू धर्म बहुत ही ज्यादा प्राचीन धर्म है। ये लोग अपने जंगबिटो को ट्रेडिशन वुडू गार्जियन भी कहते हैं, यानी कि रात का रखवाला, जो कि इनको रात के समय में शैतानों से बचाता है या फिर किसी भी बुरी चीज से। ये लोग जंगबिटो को अपना भगवान कहते हैं। ये लोग अपने गॉड को खुश करने के लिए बकरी, मुर्गा या आदि के बलि को भी चढ़ाते हैं। ये वुडू फेस्टिवल वुडू धर्म के लिए बहुत ही खास फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में बड़े बड़े घासों से बड़े बड़े आकार के कलरफुल शंकु बनाया जाता है, और देखा जाए तो इसके अंदर बड़ी ही आसानी से एक इंसान को फिट किया जा सकता है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि इसके अंदर कोई भी इंसान प्रवेश नहीं करता है, बल्कि इसके अंदर एक छोटा सा पुतला बना के डाला जाता है, और जब उस पुतले के ऊपर काला जादू किया जाता है तो उसी समय ही जंगबिटो को ढक दिया जाता है, और जिस वजह से जंगबिटो के अंदर एक आत्मा आ जाती है और बहुत ही जोशीले तरीके से नाचने लगती है। और देखने पर भी ऐसा लगता है कि इतनी तेजी से कोई इंसान अंदर से बिना देखे कैसे डांस कर सकता है। इस वुडू फेस्टिवल को साल में एक बार मनाया जाता है। जैसे कि मुस्लिम लोग अपने मुहर्रम के दिन जुलूस निकालते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने जंगबिटो को बनाकर उसका जुलूस निकालते हैं। यहाँ पर हर गांव से बहुत ही ज्यादा धूमधाम से लोग इस जंगबिटो का जुलूस निकालते हुए आते हैं। और दोस्तों आपको ये भी हैरानी होगी कि इस चलते हुए कोन के अंदर कोई भी इंसान नहीं होता, ये चीज बिल्कुल ही खाली रहता है और ये अपने आप ही चलते हैं। और फिर लास्ट में ये सभी लोग एक जगह पर रुककर डांस प्रोग्राम करते हैं। लोकल लोगों के अनुसार इस जंगबिटो के अंदर इनके पुराने मरे हुए लोग होते हैं, यानी कि इनके परिवार या रिश्तेदारों की आत्मा, और इन सभी आत्माओं को इनके जंगबिटो गॉड ही ऑन करते हैं, यानी कि उनके इशारे पर ही सब होता है। ऐसा भी मानना है कि जंगबिटो की अंदर की आत्मा कभी कभी तो इनसे बात भी करती है। हर जंगबिटो के साथ कम से कम एक दो आदमी तो होते ही है, जो कि जंगबिटो के इशारे को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सभी को भले ही इन सभी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा हो, लेकिन हमेशा से यही कहा जाता है कि हकीकत में इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं होता। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर घुसकर डांस नहीं करता है, बल्कि असल में वो आत्मा ही होती है जो कि इस तरह का भयानक परफॉर्म करती है। और इन सभी बातों का विश्वास दिलाने के लिए ये लोग डांस के आखिरी में इस जंगबिटो में आग भी लगा देते हैं, और कभी कभी तो बाहरी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जंगबिटो को पूरी तरह से खोल के भी दिखाते हैं। एक एक करके ऊपर से पूरी तरह से घास हटा दिया जाता है, और जिससे पूरी तरह से मालूम हो जाता है कि इस जंगबिटो के अंदर कोई भी नहीं है। ऐसा करने के बाद कोन को फिर से सीधा कर दिया जाता है, और फिर दोबारा से ही ये जंगबिटो कोन वापस से उठकर नाचने लगता है। इन नाचते हुए जंगबिटो के साथ वहाँ के सभी स्थानीय लोग भी नाचते हैं, बल्कि अदर कंट्रीज से लोग भी इसे देखने आते हैं और इनके साथ वो भी डांस करते हैं। और दोस्तों इनके अलावा कई मायनों में ये भी देखा गया है कि लोग पैसा कमाने के लिए जंगबिटो को एक बिजनेस की तरह यूज करते हैं, और लोगों से पैसा ऐंठने के लिए एक फेक जंगबिटो बना देते हैं, और धोखे से उसके अंदर एक आदमी को फिट कर दिया जाता है, और उस जंगबिटो के अंदर वो आदमी घुसकर डांस कर रहा होता है। ऐसा कई बार देखा भी गया है कि उनकी पोल खुल गई हो और जंगबिटो के अंदर आदमी दिख गया हो, लेकिन वो लोग जंगबिटो के माध्यम से पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से इस वुडू फेस्टिवल को मनाते हैं, जिस वजह से वो लोग जंगबिटो के अंदर अपने देवता को नहीं बुला पाते। लेकिन जो लोग असली में जंगबिटो को तैयार करते हैं, असल में वो लोग इस जंगबिटो के अंदर
अपने पूर्वजों की आत्मा को बुला लेते हैं, यानी कि अपने ब्लैक मैजिक से जंगबीटो को डांस भी कराते हैं। बहुत से लोग इसे फेक भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे बिल्कुल रियल कहते हैं, और उसकी वजह यही है। अब तक मैंने जो रिसर्च की, मुझको उससे यही मालूम चला कि अफ्रीका के लोग ब्लैक मैजिक में महारत हासिल कर चुके हैं, और जिस वजह से वो लोग इस तरह के कलाओं को दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भी अफ्रीका जाना तो इन सभी लोगों से बिल्कुल बचकर रहना, क्योंकि वहाँ का कानून बहुत ही ज्यादा करप्ट है और वो किसी भी इंसान को मारने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते। अगर उनका दिमाग सनक गया तो, यानी कि अगर उनको पैसे की जरूरत है, अगर उनको आपसे 100 रुपए भी लेना है तो वे आपसे नहीं मांगेंगे, बल्कि 100 रुपए को लेने के लिए आपकी जान भी ले सकते हैं। सबके सब ऐसे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर करप्शन बहुत ही ज्यादा है और गुंडागर्दी भी। दोस्तों, आपका जंगबीटो के बारे में क्या ख्याल है? आपको ये चीज सही लगती है या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इस चीज के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च करूं और सच्चाई को आपके सामने लाऊं। इसलिए दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।